मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूंगी, जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। अपने लिए लूंगी मैं उनसे। आई वुड लाइक टू गिव देम द होल नवाज शरीफ फैमिली एंड आई थिंक वी वुड लव टू हैव आवर कश्मीर बैक। या प्लीज टेक नवाज शरीफ अवे फ्रॉम अस। मतलब आप चाहती हैं कि इंडिया नवाज शरीफ ले लो और कश्मीर उसके बदले में हमें दे दे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी वांट। या आपको लगता है नवाज शरीफ इतनी वर्थ रखता है कि उसके बदले में हमें कश्मीर मिल जाएगा? वर्थ तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं रखते, बट आई थिंक because we just want to get rid of him. I think being a Pakistani, हम बहुत हार्मनी और पीस वाले लोग हैं, सो हम लोग मोहब्बत और प्यार ही देना चाहेंगे, और हम उनसे क्या लेना चाहेंगे, वो जो हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं कश्मीर, हम कश्मीर उनसे लेना चाहेंगे। जब पाकिस्तानियों को पता चलता है कि आप इंडिया से आई हुई हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो पाकिस्तानियों के रिएक्शन क्या होते हैं? बहुत अच्छा, बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं। हाँ, कई दफ़ा हम कई दफ़ा कुछ खा रहे होते हैं ना, तो वो पैसे दे के चले जाते हैं। हाँ, कि भी आप हमारे गेस्ट हो, तो मतलब कि आप हम आपको मतलब कि करेंगे, मतलब कि ना बहुत अच्छा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा। इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में आपको क्या लगता है कितनी सिमिलैरिटी है? पहले कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं ना, तो अब तो पाकिस्तान पूरा इंडिया ही बन गया, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। यू कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड वर्क, सो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रॉस्पर यू हैव टू वर्क टुगेदर, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। सो प्रॉब्ली आई मीन डेफिनेटली अगर पाकिस्तान वॉन्ट्स टू प्रॉस्पर, बिकॉज इंडिया हैज़ probably 50 years ahead of us, so we have to be honest, we have no match for India. तो अगर हमें हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी उसी तरह तरक्की करे, तो डेफिनेटली हमें अपने जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ अच्छे करने चाहिए और करने पड़ेंगे, अदरवाइज देयर इज नो होप। आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर, मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वॉन्ट कि हम सामा उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रख कर। मेरे को तो इतना प्यार मिला ना इधर आके, जब भी हम आते हैं हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि दोनों देशों को मतलब कि ये बॉर्डर खोलना चाहिए, प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए, और उधर के लोग इधर आएँ और इधर के उधर जाएँ, प्यार से मतलब कि एक दूसरे मिले, कोई हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है हमारा। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी लड़कियों से पूछेंगे कि अगर उन्हें हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और बदले में इंडिया से एक चीज़ लेनी हो, तो वो इंडिया को क्या देना पसंद करेंगी और इंडिया से क्या लेना पसंद करेंगी। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियाँ क्या कहती हैं। क्या नाम है आपका? मदीहा। आमना। अरीज वकार। आम फातिमा सिद्दीक। तैयबा। मोमना। आमना। निकी गरेवाल। क्या करती हैं आप? आई एम अ वर्किंग वुमन। I'm a hairstylist. I'm a student. किस क्लास में पढ़ रही हैं? मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ, 9th क्लास में। और आप? I'm a chartered accountant. मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रही हूँ। और आप? CS. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं ओडिसी टूर्स की CEO हूँ, अमेरिका से आई हूँ, कैलिफोर्निया से, तो इधर ग्रुप लेके आई हूँ। अच्छा, आज का हमारा ये सवाल है कि अगर हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो, तो आप उन्हें क्या देना पसंद करेंगे और बदले में क्या लेना चाहेंगे? आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी, हम बहुत हार्मनी और पीस वाले लोग हैं, सो हम लोग मोहब्बत और प्यार ही देना चाहेंगे, और हम उनसे क्या लेना चाहेंगे, वो जो हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं कश्मीर, हम कश्मीर उनसे लेना चाहेंगे, दैट्स इट। और आप? ओके, बिकॉज आई एम इनटू आर्ट्स फील्ड हमेशा से, तो आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर, मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वॉन्ट कि हम सामा उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पर रख के। अच्छा, पाकिस्तान में जो है दिवाली, होली, ये सेलिब्रेट की जा रही है, आपको कभी मौका नहीं मिला इन त्यौहारों को पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने का? क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान में कई बार हिंदू बरादरी के साथ दिवाली भी मनाई है और होली भी मनाई है। अच्छा, मैं यहाँ नहीं रहती, लेकिन मैं कनाडा में कुछ काफ़ी दफ़ा सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, मेरी वहाँ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ सेलिब्रेट की हैं, यहाँ मुझे चांस नहीं मिला। सही, तो यानी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए? हाँ, लेकिन फिर लोग इसको रिलीजन से अटैच कर देते हैं। आई फील कि चीज़ों को आप सेलिब्रेट करें और अपने वे में, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिफिक क्लास है जो ले जाती है, ये तो इंडिया का कल्चर है, दिस एंड दैट। तो लेकिन मज़ा तब आए जब बॉर्डर खुले और इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिलकर जो है एक दूसरे के त्यौहारों को सेलिब्रेट करें। इंडिया के लोग जो है वो ईद मनाएं, हम लोग होली मनाएं, दिवाली मनाएं, कितना मज़ा आएगा ना। दैट्स वॉट वी डू इन कैनेडा, मतलब वहाँ पे मेरी रूममेट्स, मेरी दोस्त इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम, तो हम हर तरह के कल्चर को, हर रिलीजन के इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ कोई उसको स्पेसिफिक नहीं किया जाता कि ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है।
तो जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा ये जान के। अच्छा इन्होंने कहा कि ये कश्मीर लेना चाहती हैं। अच्छा क्या करेंगे आप कश्मीर को इंडिया से लेकर? आई थिंक उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए, जिस तरह वो आज़ादी से अपने ही स्टेट के अंदर है। इट्स नॉट कि हमें चाहिए, इतनी खूबसूरत उनकी वादियाँ हैं, इतना खूबसूरत उनका कल्चर है, तो हम चाहते हैं कि वो इतने सालों से जो है फाइट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। अच्छा एक कश्मीर का टुकड़ा तो ऑलरेडी हमारे पास है जिसे हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर, तो उस आज़ाद कश्मीर का हाल जो है सबके सामने है, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान संभाल पाएगा या इंडिपेंडेंटली जम्मू कश्मीर चल पाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। जी बिल्कुल, बस ऐसी बात है। बट अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि हमें ऐसे चुस्तरा नहीं चाहिए, ना पॉलिटिकली चाहिए एंड ऑल दैट, बट रिगार्डलेस कि पॉलिटिकल ऐसे है, उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी चाहिए, सो दैट कि ये जो ऑनेस्टली मैं ऐसी बात कर रही हूँ, जो ब्लड शेड हो रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल करना और एक दूसरे को मारना, ये नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 70 सालों से एक ही मसला चल रहा है, और वह मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के जो सियासतदान हैं बयानबाजियां करते हैं, इस पर अपनी सियासत चमकाते हैं, अपना चूर्ण इसी नाम पर भेजते हैं, लेकिन सफ़र जो है वहाँ की आवाम को और यहाँ की आवाम को करना पड़ता है। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरे भी बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, यकीन करें वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान आकर घूमना चाहते हैं, लेकिन वीज़ाज नहीं मिलते, बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। कर देना चाहिए, बिकॉज अगेन मैंने आपसे कहा पीस और हार्मनी है, दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमें लव स्प्रेड करना चाहिए। जैसे मेरे भी बहुत ज़्यादा, मेरी बल्कि स्कूलिंग बहुत ज़्यादा हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ हुई है, सो आई बिलीव कि हमें माइनॉरिटीज़ को, उनके एथनिक चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। वेयर एज अगर इंडिया के लोग आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे पहले अगर आपको पता होगा कि सिख आ रहे थे हमने, हाँ। जब सॉरी टू साइड नो पॉलिटिकली हमें कहना चाहिए कि नहीं, इमरान खान के टाइम पे देवर मैनी सिख जो यहाँ पर आ रहे थे, तो यस दे आर मोस्ट वेलकम एज लॉन्ग एज, और सेम पाकिस्तानियों को भी वहाँ पे सो कॉल्ड टेररिस्ट के तौर पे नहीं एक्नॉलेज करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले एक बार इंडिया जाने का, तो आप मुझे बताएं बीइंग अ आर्टिस्ट आप इंडिया में कहाँ जाना चाहेंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ओके, इंडिया का सो जितना मैंने जाना है, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, इट्स रियली बिग, और उसके हर स्टेट में देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जो का बीइंग एन आर्टिस्ट यहाँ उस फील्ड में, सो मेनी थिंग्स, उनका कल्चर, उनके ड्रेसिंग, उनके इवेंट, दे आर सो गुड, तो आपको हर जगह पे, और फिर जैसे कुछ मेरे फ्रेंड गुजरात के हैं, कुछ मुंबई के हैं, तो हर जगह का एक अलग चार्म है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर। तो आप चाहती हैं इंडियन सरकार आपको वीजा दे दे और आप जाके इंडिया घूम कर आए? हाँ फॉर श्योर, डेफिनेटली आई वुड लव टू गो देयर, आई वुड लव टू गो देयर। फिलहाल जो इंडिया की सरकार वो पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं दे रही, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी एक दोस्त की वहाँ शादी होने वाली थी, तो वो बहुत ज्यादा मुझे इंसिस्ट कर रही थी, मैंने कहा कि ये वीजे का ही प्रॉब्लम बनना है, और आई हैव हर्ड कि पाकिस्तानी को इतनी इजीली वीजा नहीं मिलता वहाँ पे। अच्छा इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर की बात करें, तो क्या लगता है कि कितना कल्चर सेम है हम दोनों का, काफ़त खाने पीने इन चीज़ों में कितनी सिमिलैरिटी, क्योंकि एक वक्त था हम कितनी सदियां कितनी दहाइयां साथ ही रहे हैं? बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लाइक कुछ चीज़ें तो आपको इतना ज़्यादा सिमिलर दिखती हैं कि आपको समहाउ आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इंडियन है या पाकिस्तानी है, बट ऑफकोर्स बिन एट सम पॉइंट उनकी कुछ अपनी चीज़ें हैं, हमारी कुछ अपनी चीज़ें हैं, वहाँ पर आकर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन बिकॉज हम लोग एक साइड पर रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिली जुली सी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में भी हम लोग सिमिलर चीज़ें हैं, बट अगेन क्योंकि जब हमने पाकिस्तान लिया था, तो हमने यही कहा था कि हमारा कल्चर, हमारी चीज़ें, टू नेशन थ्योरी जिसमें थी कि डिफरेंट है, बाकी ऑब्वियसली वो सेम हमारी तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, वैसी सारी चीज़ें उनकी, आई बिलीव कि मोर ऑर लेस सेम है, बट अगेन वो जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक आ जाती है चीज़, वो थोड़ा डिफरेंशिएट करती है। ये समझ नहीं आती कि हम इस सारे मुद्दे में जो है मज़हब को क्यों ले आते हैं, हालाँकि पाकिस्तान से कितनी बड़ी तादाद में जो है मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और हमसे बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा वहाँ मुस्लिम्स का नंबर, आई थिंक नंबर ऑफ मुस्लिम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन हाँ अगर आप वहाँ जैसे हर देखें पाकिस्तान में हर किसी की माइंडसेट एक जैसा नहीं है, वहाँ इंडियंस का भी ऐसा है, वहाँ कुछ इंडियंस ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ग्रज और कुछ प्रॉब्लम है उनको पाकिस्तानी से, एक्सट्रीमिस्ट है वो लोग, सो डिपेंड करता है, हर तरह की क्लास है हर जगह पर। अच्छा वो इंडियन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहूँगी, सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, वेलकमिंग है, वो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत पीसफुल हैं, और वो जो स्पेसिफिक क्लास है जो कि आई थिंक टेररिज्म में होती है, वो मुस्लिम्स भी नहीं है इवन, तो उनको हमें अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए, लाइक इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहाँ पे अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं।
आप क्या कहना चाहूँगी? मैं भी सेम ही कहूँगी कि सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं हैं सारे, बल्कि इनफैक्ट सब पाकिस्तानी लविंग हैं, पीसफुल हैं। और इंडियंस को भी सोचना चाहिए कि सबको इस तरह नेगेटिवली ना देखें कि सब हेट्रेड करते हैं। हेट्रेड हमारी जो सर्टेन एक्सटेंट होता है कि जिस पे आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर आ जाते हैं, फोर्सेस को लेकर आ जाते हैं दरमियान में, तो मेरा ख्याल है कि दोनों साइड्स के ऊपर प्यार मोहब्बत, वहाँ इंडियंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, हमारे कल्चर को, हमारे एक्टर्स को, बल्कि हमारे बहुत सारे ड्रामास को। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो देर आर लॉट ऑफ कमेंट्स जो इंडियन साइड से आते हैं, हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए आते हैं, आतिफ असलम के लिए, अली ज़फ़र के लिए, इतने कॉमेंट्स आते हैं कि दे लव आर आर्टिस्ट। सो आई डोंट बिलीव कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक हेट्रेड है, कुछ ऐसी क्लास है और पॉलिटिकल कुछ ऐसा नैरेटिव शेयर किया जाता है जिसके अंदर एक हेट्रेड का एलिमेंट डेवलप हो जाता है। आज का हमारा सवाल ये है कि अगर हमारे हम साए मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो तो आप इंडिया को क्या चीज़ देना पसंद करेंगे, उनसे क्या चीज़ लेना चाहेंगी? I think without a second thought, I would like to give them the whole Nawaz Sharif family, and I think we would love to have our Kashmir back. Yeah, please take Nawaz Sharif away from us. मतलब आप चाहती हैं कि इंडिया नवाज शरीफ ले ले और कश्मीर उसके बदले में हमें दे दे? Exactly, that's what we want, yeah. आपको लगता है नवाज शरीफ इतनी वर्थ रखता है कि उसके बदले में हमें कश्मीर मिल जाएगा? वर्थ तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं रखते, बट आई थिंक बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम, सो आई मीन वो फ्री में भी लेंगे तो हम दे देंगे आंखें बंद करके। यानी उसके बदले में तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला? नहीं मिलने वाला, चले फिर हम वी विल फाइट फॉर कश्मीर एंड देन वी विल हैव द कश्मीर बैक। मुझे बताएं कि कश्मीर को लेकर हमने करना क्या है? हमसे हमारे पहले चार सूबे तो संभाले नहीं जा रहे, पाकिस्तान के आप हालात देखें, आपको लगता है कि कश्मीर को हम लेकर अपने साथ अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे? आई थिंक एज लॉन्ग एज यू कैन हैव इमरान खान बैक, सो वी हैव होप। और जब कश्मीर हमें वापस मिल जाता है एंड इफ़ वी हैव इमरान खान इन दी यू नो एज अ प्राइम मिनिस्टर, देन देयर इज़ अ होप। सो इफ you know he can fix the other four subas, then definitely he can fix Kashmir as well. So as long as we have good ruler working for us, we have hope. Lekin with Nawaz Sharif and Zardari, there is no hope for Pakistan. Acha, agar India aur Pakistan ki baat kare to kya aapko lagta hai ki dono mulkon ke darmiyan taluqat behtar hone chahiye, kyunki Kashmir ka hi masla hai jiski wajah se dono mulk jo hai aapas mein trade nahi kar pa rahe, hamari ban nahi pa rahi, to aapko lagta hai ki Kashmir ke baghair पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? आई थिंक सो, डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज आप यू कैन नॉट वर्क वाइल यू नो यू कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड वर्क। सो इफ़ यू वांट टू प्रॉस्पर यू हैव टू वर्क टुगेदर, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। सो प्रॉब्ली आई मीन डेफिनेटली अगर पाकिस्तान वॉन्ट्स टू प्रॉस्पर, बिकॉज इंडिया हैज़ प्रॉब्ली 50 ईयर्स अहेड ऑफ अस, सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट वी हैव नो मैच फॉर इंडिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी उसी तरह तरक्की करे, तो डेफिनेटली हमें अपने जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ अच्छे करने चाहिए और करने पड़ेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो होप। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के, एक वक्त था कि बड़े अरसे तक हमारे आबाओ अजदाद जो हैं साथ में रहे, हमारी सकाफत एक है, हमारा कल्चर सेम है, हमारे खाने पीने, हमारा पहनना ओढ़ना। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडिया जाकर घूमना चाहते हैं, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते। अब क्या कहा, अब दैट्स योर टर्न नाउ। विजिट नहीं कर पाते बेसिकली, बट नहीं आई थिंक अच्छी रखनी चाहिए, हेट नहीं स्प्रेड करना चाहिए बेसिकली, तो दोस्ती रखनी चाहिए। यस, आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज आई नो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, यू कैन नॉट लैंड ऑन ऑल दी एयरपोर्ट्स इन इंडिया इफ़ यू हैव अ पाकिस्तानी, और इफ़ यू आर बोर्न इन पाकिस्तान देन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन एयरपोर्ट्स, यू कैन ओनली लैंड आई थिंक इन दिल्ली। सो ऑब्वियसली इफ़ वो ट्रेवल और टूरिज्म अलाउ करते हैं तो इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इंडिया एज वेल। आप इंडिया जाकर कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे? आई थिंक आई वुड लव टू सी देयर नॉर्दर्न एरियाज, आगरा, राजस्थान। राजस्थान इज ऑन माई टॉप लिस्ट। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो आपको क्या लगता है कितनी सिमिलैरिटी है? आई थिंक प्रॉब्ली 50% सिमिलैरिटीज तो हैं, कल्चरल वाइज सिमिलैरिटीज हैं, ऑब्वियसली नॉट ऑन अ रिलीजियस बेसिस, बट हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं वो दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम इंडिया। So yeah, culture wise probably 50 to 60%। सबसे पहले तो आप तीनों बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा, आज का हमारा सवाल ये है कि अगर हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो तो आप क्या देना पसंद करेंगे और उनसे क्या लेना पसंद करेंगे?
मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूँगी जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। अपने लिए लूँगी मैं उनसे, और दे मैं उनको यहाँ का इमरान अब्बास दूंगी, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। ओ, और आप? नवाज शरीफ दे दूंगी उनको। और लेना क्या? कुछ खास नहीं, इतना कुछ खास नहीं। फिर भी कुछ तो टिकटॉक इंडिया की पता नहीं, अभी तो कुछ जेन में ही नहीं आ रहा। आप बताएं। नवाज शरीफ ही देना चाहेंगे क्योंकि उनको उनकी यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेना क्या है इंडिया से? बदले इंडिया से हम लेना चाहेंगे कोई अच्छा एक्ट्रेस ले सकते हैं हम, शाहरुख खान, उनको यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं, सलमान खान को भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो अच्छा, इंडियन मूवीज देखती हैं आप, इसका मतलब? देखती हूँ। अच्छा, इंडियन कल्चर को कितना फॉलो करते हैं आप लोग? ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जो ट्रेंडी होता है वो तो फिर करते ही हैं। इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में आपको क्या लगता है कितनी सिमिलैरिटी है? पहले कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं ना, तो अब तो पाकिस्तान पूरा इंडिया ही बन गया, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कभी अगर लाइफ में इंडिया जाने का मौका मिले, हमारी अगर आपस में दोनों मुल्कों में सुलह सफाई हो जाती है, बॉर्डर खुल जाते हैं, तो क्या इंडिया जाना पसंद करेंगी? नहीं। क्यों? दिल नहीं करता, अपना पाकिस्तान है तो सही। अभी आपको इंडिया का कल्चर भी अट्रैक्ट कर रहा था? नहीं, मैंने कहा था कि उनका कल्चर डिफरेंट है, मतलब उनका जो कल्चर है वो हमारे पाकिस्तान में आ गए, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद है। अच्छा, हाँ जी, आप बताएं। लेकिन हम जरूर जाना पसंद करेंगे, अगर सुलह सफाई हो जाती है फिर तो जरूर जाना पसंद करेंगे। तो फिर कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे? इतना मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो सुना हुआ है जैसे वहाँ पे दिल्ली भी है, मुंबई है, वहाँ हम घूमना पसंद करेंगे। आप इंडियन हैं? इंडियन हूँ, यस यस यस। जबरदस्त, मतलब लाहौर में पाकिस्तान में आप क्या कर रही हैं? हम इधर आए थे अपना ग्रुप लेके, ओडिसी टूर्स से लेके आए थे, उधर से अमेरिका से, कैलिफोर्निया से एक हम ग्रुप लेके आए हैं, पूरा 20 बंदों का ग्रुप है। तो हम मतलब अपना पाकिस्तान पंजाब साहब में हमारी वैसाखी का प्रोग्राम होता है, वैसाखी दिवस मनाते हैं, हम उस पर आए थे। तो हर साल आती हैं? हर साल आते हैं, साल में 2 दफ़ा आते हैं, एक वैसाखी में आते हैं, एक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आते हैं। ज़बरदस्त, तो कैसा लगा आपको हमारा पंजाब, हमारा प्यारा पाकिस्तान? और हम देख रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान के रंग में रंगी हुई नज़र आ रही हैं, आज चांद रहा था और आपने हाथों पे मेहंदी भी लगवा ली है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, हमने इधर बहुत कुछ देखा लाहौर में आके, मतलब कि हम फूड स्ट्रीट गए, महाराजा रणजीत सिंह का फोर्ट देखा, अपने गुरुद्वारे जो थे सारे वो देख के आए, सबके दर्शन करके आए, तो आज हमें पता चला कि चांद रात है, तो फिर इसलिए हम बाज़ार में आ गए कि चलो इधर की रौनक देखते हैं कि भी मतलब कि चांद रात है, तो वो सब बोल रहे थे कि आज बहुत मतलब कि अच्छी रौनक होगी बाज़ार में, तो हम बाज़ार में आ गए, इधर आके सबको मिले गिले, हम इतना प्यार मिला ना इधर आके, बहुत प्यार मिला। इस वक्त तो हर तरफ जो है वो चांद रात की चकाचौंध है, हर घर का बंदा चांद रात सेलिब्रेट कर रहा है, फैमिलीज निकली हुई हैं मार्केट्स में, तो इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान में चांद रात सेलिब्रेट करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम वैसे भी चांद रात उधर अमेरिका में हमारे कई दोस्त हैं जो मनाते हैं, तो हम उनके साथ भी पहले मनाते थे, पर इधर आके तो बहुत अच्छा लगा, इतनी रौनक है सारे बाज़ार में, देखो कितना टाइम हो गया, तो इधर तो लग ही नहीं रहा कि मतलब कि रात है, इधर तो लग रहा कि जैसे दिन चढ़ा हुआ है, तो सब अपनी रंग में रंगे हुए हैं इधर। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि पाकिस्तान एक महफूज कंट्री नहीं है, इंडियंस अक्सर पाकिस्तान आते वक्त डरते हैं, सहम जाते हैं, आप इंडिया से पाकिस्तान में आज खड़ी हैं, कैसा लग रहा है? आप रात के इस पहर में मार्केट में मेहंदी लगवा रही हैं, चांद रात सेलिब्रेट कर रही हैं, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान एक महफूज कंट्री नहीं है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगा, मेरे को तो इतना प्यार मिला ना इधर आके, जब भी हम आते हैं हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि दोनों देशों को मतलब कि ये बॉर्डर खोलना चाहिए, प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए, और उधर के लोग इधर आएँ और इधर के उधर जाएँ, प्यार से मतलब कि एक दूसरे मिले, कोई हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है हमारा, कुछ नहीं फ़र्क है, मतलब कि सब वही है, प्यार भी वही है, वही बंदे हैं, वही सब कुछ है, लेकिन मतलब कि इधर आके हमें कुछ नहीं फ़र्क चला कि ये इंडिया नहीं है, इंडिया से जैसे इंडिया मोहब्बत है वैसे इधर हमें मोहब्बत मिली है। ज़बरदस्त। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का सवाल जो है, हम आज पाकिस्तान की आवाम से सवाल ये कर रहे थे कि अगर आपको इंडिया को एक चीज़ देनी हो और इंडिया से एक चीज़ लेनी हो, तो आप इंडिया को क्या देना पसंद करेंगे और इंडिया से क्या लेना पसंद करेंगे? क्योंकि आप इंडिया से हैं, तो हमारा सवाल उल्टा कर देते हैं कि आप एज अ इंडियन पाकिस्तान को क्या देना चाहेंगी और पाकिस्तान से क्या लेना चाहेंगी? दोनों को ही, उधर से भी प्यार मोहब्बत, इधर से भी मोहब्बत, दोनों को मतलब कि मतलब एक दूसरे को प्यार देना चाहिए, जो सबसे मतलब कि बहुत अच्छा तोहफा एक दूसरे के लिए। मेरे को तो यही है कि भी आप दोनों मुल्कों को बहुत प्यार से रहना चाहिए, मतलब कि ये प्यार बांटना चाहिए एक दूसरे में।
बहुत अच्छा लगा। ये देखे ना 70 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए, हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलग हुए, पाकिस्तान बना, लेकिन 70 सालों से मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान एक लाइन खिंची हुई है, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम बात करें तो 1947 से पहले एक साथ रहते थे, एक ही कल्चर था, एक ही खुराक, पहनना ओढ़ना, रहन सहन, तो यहाँ के लोग वहाँ जाने के लिए तरसते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं। क्या लगता है ये आपस की दूरियाँ कैसे कम होंगी? प्यार मोहब्बत से कम हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो। अच्छा। हाँ, प्यार तो है ही है, चलो वो तो है ही है, लेकिन ये मतलब कि यही है कि एक एक दूसरे को प्यार दो और एक दूसरे के उधर आप जाओ इधर जाओ, फिर ज़्यादा प्यार बढ़ेगा तो ऐसे ही ख़त्म हो सकती है, और तो कोई चारा कुछ नहीं है। ये बताएं कि आपका पाकिस्तान का कितने दिन का टूर है, कब से आई हुई है, वापसी कब है? हाँ, हमारा 10 दिन का टूर था, हम 3 को आए थे, तो कल वापस चले जाएंगे, 11 को। 11 को वापस चले जाएंगे। ईद नहीं मनाएंगे? ईद कल है ना आपकी, 10 को है ना ईद, कल ईद को ईद मना के कल रात को हम निकल जाएंगे। तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ गए, क्या खाया पिया? हमें इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद हमने वहाँ पंजा साहब अपना हसन अब्दाल में पंजा साहब में मत्था टेका हमने, तो फिर हम इस्लामाबाद निकल गए, आपकी जो मॉस्किट है उधर बड़ी वाली है जो फैसल, हाँ हम वहाँ भी गए, सब ने वहाँ भी मतलब कि अब दर्शन किए, सब ने उधर भी देखा, फिर हम वो वहाँ ऊपर एक मोनाल रेस्टोरेंट है, हमने वहाँ डिनर किया, सबने बड़ा अच्छा लगा। उस दिन आपकी इफ्तारी थी तो लोग इफ्तारी कर रहे थे, तो हम वहाँ से बाहर बैठ के रात का मतलब कि बहुत खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे वहाँ के। जब पाकिस्तानियों को पता चलता है कि आप इंडिया से आई हुई हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो पाकिस्तानियों के रिएक्शन क्या होते हैं? बहुत अच्छा लगे, बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं। हाँ, कई दफ़ा हम कई दफ़ा कुछ खा रहे होते हैं ना, तो वो पैसे दे के चले जाते हैं। हाँ, कि भी आप हमारे गेस्ट हो तो मतलब कि आप हम आपको मतलब कि करेंगे, मतलब कि ना बहुत अच्छा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, इंडिया के लिए पाकिस्तान से क्या लेकर जा रही हैं, अपने लोगों के लिए, इंडियंस के लिए? बहुत कुछ है लेके जाने के लिए, लेकिन हम गुरुद्वारे से प्रसाद लिया है वो देंगे सबको, तो बाकी प्यार मोहब्बत है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर एक लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान सो कॉल्ड एक दहशतगर्द मुल्क है, क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो इंडिया से, पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं? मैं तो यही कहूँगी कि इधर आओ, वो वैसे पता नहीं किसने ये ऐसा फैलाया हुआ है कि भाई नहीं जी बहुत महफूज मतलब कि कंट्री है उधर, मतलब कि वो राइट्स होते हैं, ये होता है, मेरे को तो कुछ नहीं लगा, मैं तो पिछले मतलब 3-4 साल से आ रहे हूँ, हर साल बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, हर साल ही मोहब्बत बढ़ती है, कम नहीं होती।